हालचाल उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली, मैं तारिक महमूद, मैं मुंबई। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है पीस नेशनल एंथम, पाक सर जमीन जाना गाना माना, इंडियन एंड पाकिस्तान। तो देखते हैं वीडियो और अपना रिव्यू पर देंगे। कौन ऑन करते हैं, 3, 2, 1 वीडियो स्टार्ट। सरजमी शाबाद, केशवरे हसीन शाबाद, तू निशाने अजमे आलीशान, अर्ज़े पाकिस्तान, मरकज़े यकीन शाबाद। लेकिन अब जो है वो आस्ता आस्ता मुझे फील हो रहा है कि फिर जो है ना दूरी की तरफ, दूरियां तो सोशल मीडिया का काम भाई साहब, इस तरह ये गलत अफवाहें, गलत इतना सियासतदान ही यकीन वाला बोलते हैं के अंदर नफरतें जो है भरी जा रही है, जबरदस्ती भरी जा रही है, ये गलत है ना। इसको रोकना पड़ेगा, अगर इसको नहीं रोकेंगे मतलब ये इससे ज्यादा नुकसान होगा यार। इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ नफरतें मेरे ख्याल में कम भरी जा रही है, जो हिंदू मुस्लिम की जो नफरतें ये ज्यादा बढ़ाई जा रही है सोशल मीडिया के। आप देख लो पाकिस्तान में भी ऐसा हो रहा है और इंडिया के अंदर भी ऐसा हो रहा है, एक दूसरे धर्म के खिलाफ नफरतें भरी जा रही है।
कितनी कितनी बातें हैं जो नहीं भी कही जा सकती वो भी कह देते हैं। बिल्कुल। तो फिर बंदे जज्बात में आ जाते हैं तो गुस्से में बंदा बोल देता है। इस तरह कंट्रोल करना चाहिए यार। जिस लफ्ज से दो कंट्रियों का नुकसान हो आपस में नहीं बोलना चाहिए। सोचने वाली तो ये चीज है भाई साहब, एक ही खून है भाई। चलो हम कन्वर्ट हो गए, अलग हो गए, लेकिन ये शुरू से हम भी तो वही के हैं। वही ना, एक ही कुछ है। बिल्कुल। लेकिन जो अलहदा हो गए, पार्टीशन हो गई, लेकिन अब ये जो बात अक्सर ऐसा होता है भाई साहब, अक्सर बल्कि हर घर में ही ऐसा होता है कि दो भाई जब बंटवारा हो जाता है, अलहदा हो जाते हैं, घर जमीन बांट दिया जाता है, बांट ये हो गया बंटवारा। इसी तरह पाकिस्तान इंडिया में से पाकिस्तान में बन गया और बांग्लादेश बन गया। चलो बंटवारा तो एक ही था, बंटवारा हो गया, लेकिन अब आपस में लड़ते रहेंगे तो ये नुकसान ही होगा। बिल्कुल नुकसान है, दूसरे को मौका मिलेगा, का नुकसान, सारा नुकसान होगा। अगर वही मिल बैठ के खाएं, पिएं, काम करें, सारा कुछ हो, इससे हमारा जो इतना बजट लगता है आर्मी के ऊपर वो भी बच जाएगा। बिल्कुल। और जो जो हम एक दूसरे के खिलाफ नफरत होती है खत्म हो जाएगी। तो ये किसी तरीके होनी चाहिए खत्म भाई। एक डेढ़ साल पहले की मजम बात है, वो चीज इतनी नफरत नहीं थी, लेकिन अब जो है ना कुछ केस ऐसे उठ आते हैं जिससे ना वो ना सोशल मीडिया का काम है भाई साहब, वो मुद्दे को उठा देता है। बिल्कुल, वो तो बात करके चले जाते हैं। बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा था भाई साहब, हिंदू मुस्लिम नॉर्मल चल रहा था, बाद में क्या होता जी, ये जी नूपुर शर्मा वाला केस छिड़ जाता है। नूपुर शर्मा वाला केस छिड़ने के बाद क्या हो जाए, एक जो कन्हैया लाल उसकी जी गर्दन उतार देते हैं जो मुस्लिम होते हैं। बिल्कुल। मुद्दा यहाँ पर ये आता है कि ना वो मीडिया उनको प्लेटफॉर्म देता, ना न्यूज चैनल, ना वो डिबेट होती, ना वो भाई साहब हिंदू मुस्लिम के दंगे फसाद होते, ना हिजाब के ऊपर देख लो छोटी सी बात सी है, हिजाब की छोटी सी बात है। आज बात होगी ईगो पे, बात आ जाती है ईगो पे। अच्छा अभी ना हर बंदा इस बात पे यकीन रखता है कि हमारी लाइफ है, हम जो करें ना करें कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। लेकिन अब क्या हो गया, मुसलमान ऐसा क्यों कर रहे हैं, हिंदू ऐसा क्यों कर रहे हैं, जिंदगी तो अपनी अपनी वैसे सबने जीनी होती है। जो भी लीडर है, चाहे मैं पाकिस्तान को बिल्कुल अच्छा नहीं गिनता भाई साहब, जिसमें खामियां हैं वो खामियां हैं, लेकिन ये सियासत की वजह से आगे ना उसमें पिसता को तो भीड़ ना चलाए, अमीर लोग, अमीर लोग भाई साहब उसमें कभी नहीं पिसेगा, जब भी पिसेगा ये सियासतों में आके गरीब पिसेगा, अमीर तो भाई को मारा जाएगा ना दंगे के साथ। सहूलतें किसको देते हैं, बिजनेसमैनों को, बड़े बड़े गरीब को मारने के लिए आगे कौन होते हैं, बताया जाता है आप निकलना, एक दो सहूलतें मिलती, आटा दाल चीनी इस तरह की सहूलतें दे दी, बोल दिया उन्हें इनके ऊपर बहुत बड़ा एहसान हो गया। बिल्कुल ऐसे ही करते तो बड़े बड़े बिजनेसमैन, जो भी कंट्री है ना वो या कोई कौम वो तभी आगे बढ़ सकती है जब उसमें एकता होती है। बिल्कुल। ये आपस में लड़ने झगड़ने के बजाय अगर हिंदुस्तान में यार पूरे यूरोप ने कितनी जंगें लड़ी है, कितना खून उन्होंने बहाया, आज देख लो वे एकजुट है, गरीब कंट्री भी नहीं यूरोप के, असल में पता है क्या, हम उनको भी साथ लेकर चल रहे हैं। 75 साल बल्कि सैकड़ों साल गुजर गए, इन्वेडर आए तब क्या था, डिवाइड एंड रूल था भाई, अपनी अपनी सल्तनत बचाते रहे और जो अपनी पड़ी यार कर किसी वो ऊपर से इन्वेडर जो है वो घूमते करते रहे, चाहे वो ब्रिटिश थे चाहे वो मुगल थे, इन्वेडर थे ना। बिल्कुल। डिवाइड एंड रूल, अपने अपने राजाओं महाराजाओं को क्या होता है, सत्ता का लालच होता है, पिसता कौन रहा उधर भी आम जनता पिसती रही। अच्छा इन्वेडर आए, उन्होंने सारा कुछ रूल किया, सारा कुछ किया, लेकिन आज भी देख लें वही चीज चल रही है भाई साहब, कि हम लोग जो हैं आज भी उनकी कठपुतलियां बनी है, बर्तानिया की बनी हुई, अमेरिका की बनी हुई, वो नहीं चाहते एक किस्म का वही रूल कर रहे हैं। अच्छा ये एशिया खिता है, इस खिते में से हर शायद निकल रही, पूरे दूसरे बड़े आदम इसी से, ज्यादा एशिया में है, इसी से गंदम इधर से है, चावल इधर से, चावल इधर से है, कोयला इधर से है, गैस, तेल, सोना, हीरे जवाहरात सब कुछ निकल रहे एशिया से, और मार भी यही खा रहे हैं, पीछे भी यही है। सारे नफरत, नफरत पैदा होने जो हो गई है ना इसको खत्म होना चाहिए, और ऐसे सोशल मीडिया जो भाई साहब नफरत फैलाते हैं, एडमी प्लान भी देख रहे हैं एशिया में ज्यादा ही है। हाँ।
तो ठीक है भाई, आई विश के जो इनका मिशन था कि भाई शायद इससे एक अच्छा मोहब्बत बढ़े, मोहब्बत बढ़े, ये बहुत अच्छा ताना दोनों कंट्री के काश है। काश के भाई साहब हमारी जिंदगी में ये चीज देखने को मिल जाए, इस तरह यूरोप के एक दूसरे के लिए बॉर्डर खुले होते हैं ना, हमारे भी खुल गए, हमारे भी खुले होते हैं, क्या मदद, क्या जिंदगी होती। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, बहुत अच्छा लगा और दोनों कंट्रियों ने भी बहुत अच्छा गाया। और ऐसे ही अगर हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे, यहाँ पे कोई अगर कोई पाकिस्तान का तराना गा रहा है तो उस पर कोई केस नहीं हो सकता, ऐसा ना कल को कोई कर दे। लेकिन इससे इसका मतलब ये नहीं कि वो हिंदुस्तान से मोहब्बत नहीं करता या पाकिस्तान से नफरत मोहब्बत नहीं करता, वो सब करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या रहता है कि हम रिस्पेक्ट दे रहे हैं दूसरे की कंट्री को, उसकी फीलिंग को। तो अगर आप हम एक दूसरे को रिस्पेक्ट देंगे, उसकी इज्जत करेंगे तो हमें भी मिलेगी भाई। ऐसे तो काश ये हमारी जिंदगी में देखना मिल जाए कि भाई बॉर्डर खुल जाए और हम आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जा सके। तो ठीक है भाई, मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें।